नमस्कार, मैं सोहन राज और आप देख रहे हैं 24 इंडिया टीवी। चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बैरियर तोड़ अंदर आए दो हाइवा को ACL सुरक्षा कर्मी ने धर दबोचा। धनबाद जिला क्षेत्र के निसा थाना अंतर्गत ACL चापापुर 10 नंबर कोयला डिबो में सोमवार की रात बैरियर को तोड़कर दो हाइवा JH10BD8529 व JH10AZ9015 अवैध रूप से कोयला लोडिंग करने के मकसद से जा घुसा। वहीं मौजूद ACL सुरक्षाकर्मी ने दोनों वाहन को पकड़कर निरसा पुलिस के हवाले कर दिया, जहां एम परिवहन एप्स के अनुसार वाहन मालिकों का नाम रंजीत गोप व सोमेल माल बताया जा रहा है। जहां निरसा पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई, वहीं जानकारी के अनुसार जैसे ही दोनों हाइवा बैरियर को तोड़ते हुए अंदर घुसे, सुरक्षाकर्मियों ने जाँच शुरू कर दी। दोनों हाइवा का नंबर मिलान करने पर पता चला कि डिबो के अंदर चलने वाले हाइवा की सूची में दोनों वाहनों का नाम है ही नहीं। जहां सुरक्षाकर्मी ने तत्काल सूचना कोलेरी के एजेंट उमेश कुमार चौधरी को दी, जिसके तुरंत बाद दोनों हाइवा को पकड़कर निरसा थाना को सुपुत्र कर दिया। हालांकि चालक सह उपचालक भागने में सफल रहे, पर जानकार सूत्रों का कहना है कि पिछले कई दिनों से चापापुर OCP में हाइवा के जरिए अवैध कोयला ढुलाई का काम चल रहा है, जहाँ आसपास के भट्टों में हाइवा के जरिए अवैध कोयला को खपाया जा रहा है। हालांकि ठेकेदार का कहना है कि OCP के काम के लिए ही दोनों हाइवा को बुलाया गया था, जो मंगलवार सुबह आने वाले थे, लेकिन चालक इस क्षेत्र में अनजान था, जिस कारण गलती से सोमवार को रात ही पहुंच गया।